हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ क्लास ऑफ TYBCOM फिफ्थ सेमेस्टर। टॉपिक इज प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज। ये TYBCOM में भी है, BBI में भी है, MCOM, CA, इंटर, हर जगह टॉपिक मिलेगा। वर्टिकल फाइनल अकाउंट बनाना है हमें और इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट पार्ट है नोट टू अकाउंट आज जो बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और इंट्रोडक्शन आई बटन में चेक करें। और बैलेंस शीट को मैंने अलग से पार्ट में बनाया था विथ बैलेंस शीट एग्जाम्पल, 2-3 एग्जाम्पल थे। प्रॉफिट एंड लॉस को भी सेपरेटली बनाया मैंने। तो सारे वीडियो को, सीरीज को ऑर्डर में चेक करें तो इजिली समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। जय लिमिटेड आस्क यू टू प्रिपेयर स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस फॉर 31st March एंड द बैलेंस शीट। ठीक है, ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है 31st March 17 का। इक्विटी शेयर कैपिटल जिसका शेयर प्राइस है फेस वैल्यू है 10 रुपीज, यानी 3 लाख को 10 से डिवाइड किए तो 30,000 आएगा। एनी हाउ ये आपका बैलेंस शीट में जाएगा अंडर द हेडिंग ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल की हेडिंग में जाएगा ये। फिर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व सरप्लस है, जनरल रिजर्व भी रिजर्व सरप्लस है। डिबेंचर्स आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स एसेट्स है आपका, नॉन करंट एसेट्स में टेंजिबल एसेट्स है। सेम है प्लांट एंड मशीनरी भी है। इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म है आपका, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हेडिंग जाएगी आपकी। स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ बच्चों, डायरेक्टली क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में आता नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली दिया है। एनी हाउ ये भी आपका जाएगा इन्वेंट्रीज में, करंट एसेट्स के हेडिंग के अंदर इन्वेंट्रीज। बैलेंस एट बैंक यानी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करंट एसेट्स में जाएगा ये भी। PNL रिजर्व सरप्लस है, क्रेडिट दिया है प्लस, डेबिट दिया है माइनस, सिंपल लॉजिक याद रखा। और ये ओपनिंग बैलेंस है आपको, इसका क्लोजिंग बैलेंस यानी जब आप यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस 31st March 17 का बनाएंगे हम लोग, उसके अंदर जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो क्लोजिंग बैलेंस होगा। तो क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस प्लस करना है, इसको याद रखें। तो सबसे पहले हम PNL अकाउंट बनाएंगे, फिर बैलेंस शीट बनाएंगे। क्रेडिटर आपका करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल है। इनकम टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ये आपका करंट एसेट्स में जाएगा, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस में। इनकम टैक्स में बहुत सारी गलतियां होती है तो सिंपल लॉजिक याद रखें, अगर डेबिट में दिया है तो एसेट्स है और क्रेडिट में दिया है तो लायबिलिटी यानी करंट लायबिलिटी की हेडिंग में जाएगा। तो हेडिंग नहीं ले, डेबिट है तो एसेट्स, क्रेडिट है तो लायबिलिटी। फिलहाल डेबिट है इसलिए हमने उसको शॉर्ट टर्म लोन एडवांस में लिया है अंडर द हेडिंग ऑफ करंट एसेट्स। ठीक है, नोट टू अकाउंट देखेंगे आप जो इंट्रोडक्शन वीडियो है उसमें सारे डिटेल बताए थे मैंने कि ट्रेड पेबल में क्या आएगा, रिजर्व सरप्लस में क्या आएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या आएगा। तो आप प्लीज इंट्रोडक्शन प्लीज ध्यान से देखे और उसको लिख ले। क्या बोलते बच्चों, रेंट एंड टैक्स ये प्रॉफिट एंड लॉस एंट्री है। अदर एक्सपेंस डिबेंचर इंटरेस्ट ये भी प्रॉफिट एंड लॉस एंट्री है मगर फाइनेंस कॉस्ट में जाएगा। डिविडेंड और ग्रॉस प्रॉफिट ये आपका PNL एंट्री है और ये इनकम है तो रेवेन्यू पार्ट में जाएगा, ये अदर इनकम में जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट रेवेन्यू में जाएगा। डिविडेंड के आगे नॉर्मली रिसीव्ड या पेड लिखा होता है, यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, ग्रॉस खाली लिखा है। तो इनकम कैसे हम डिसाइड करते हैं, इट इज डिसाइडेड बाय द साइड। क्रेडिट में दिया है इसीलिए इनकम है, अगर डेबिट में दिया होता तो ये अदर एक्सपेंस में चले जाता। तो ये चीज आपको समझनी है, ग्रॉस प्रॉफिट और सेल दो ही रेवेन्यू है, इनकम यानी दोनों इनकम में जाएंगे। अब चलते हैं एडजस्टमेंट में। ऑथोराइज कैपिटल द कंपनी 4 लाख, ऑथोराइज को लिखना है मगर कैलकुलेट नहीं करना है। हाँ, इसका शेयर निकाल लेते हो कि शेयर जब हम लोग नोट टू अकाउंट बनाएंगे वहां पे इसका डिटेल तो बताना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ शेयर कितना होगा, फेस वैल्यू तो 10 ही है तो 4 लाख को अगर 10 से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ शेयर आया 40,000। फिर एडजस्टमेंट नंबर 2 में लैंड एंड बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन है और प्लांट पे, फिलहाल टिक मार्क कर लेते हैं। दो इफेक्ट पास करना है बच्चों, एक तो PNL में जाएगा अंडर द हेडिंग ऑफ डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन की हेडिंग है एक्सपेंस के अंदर, और दूसरा इफेक्ट तो दोनों माइनस करके आपको बैलेंस शीट में बताना है यानी नोट 2 में माइनस करना है। फिर प्रोविजन फॉर टैक्स टू बी मेड 50% ऑफ नेट प्रॉफिट, जो भी नेट प्रॉफिट आएगा आपका उसका 50% प्रोविजन फॉर टैक्स है, माइनस करेंगे आप लोग तो PNL में माइनस टैक्स। और इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा शॉर्ट टर्म लोन यानी करंट लायबिलिटी में जाएगा ये। ट्रांसफर रुपीज 400 टू जनरल रिजर्व, ये अप्रोप्रिएशन है, इंट्रीम डिविडेंड जनरल रिजर्व ये वगैरह अप्रोप्रिएशन में आता है।
तो एनी हाउ आप अप्रोप्रिएशन है तो पीनल से माइनस करना पड़ेगा, मगर ये ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व भी बोला, यानी जनरल रिजर्व में आपको ऐड करना पड़ेगा और पीएनएल में आपको लेस करना पड़ेगा। टिक मार्क कर लेते हो दोनों को, पीएनएल को और जनरल रिजर्व को, और ये जो भी कैलकुलेशन बताना है आपको नोट टू अकाउंट में बताना, ठीक है। और ये बैलेंस शीट एंट्री इसको याद रखें, इग्नोर प्रीवियस ईयर फिगर, यानी प्रीवियस ईयर का नॉर्मली ओपनिंग स्टॉक आता है हमारा, यहाँ पे तो दिया ही नहीं है, यानी चेंज इन इन्वेंट्री जो प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते हैं वो नहीं आएगा यहाँ पे, डायरेक्टली क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। ऑल अमाउंट आर इन थाउजेंड, यानी जब आप सम करेंगे तो आप अमाउंट कॉलम में ऐसा डिटेल बताएंगे, 3 0 1000 यानी 3 0, तो इस चीज पे आपको ध्यान देना बच्चों, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कुछ हिडन एडजस्टमेंट, जैसा ये 6% डिबेंचर, तो 20,000 पे 6% इंटरेस्ट बनता है, 6 2 12 यानी 1200, 1200 इंटरेस्ट बनता है। अगर आप देखें नीचे एडजस्टमेंट में यहाँ इंफॉर्मेशन है कि भाई डिबेंचर इंटर 600 ही मिला है, तो क्या करना है, 1200 में से 600 माइनस करेंगे, यानी 600 अभी भी आउटस्टैंडिंग है, हिडन एडजस्टमेंट है। तो 600 रुपया आपको डिबेंचर में कैलकुलेट करना है और यहाँ डिबेंचर में पीएनएल में आपको ऐड करना है एज ए आउटस्टैंडिंग, तो ये चीज को आपको ध्यान देना पड़ेगा। हिडन अगर यहाँ पे 600 देता ही नहीं तो डायरेक्टली 1200 चले जाता आपका, वो इन्फॉर्मेशन आपको समझना है। यहाँ पे दिया है ऑलरेडी कि भाई डिबेंचर इंटर 600 रुपया आपने पेड किया एज ए एक्सपेंस, मगर अभी भी 600 रुपया बाकी है। 600 बाकी कैसे पता चला, हमने 20,000 रुपये 6% निकाला, 1200 आया, 1200 का 600 ऑलरेडी पेड है, यानी 600 ही बाकी है, आउटस्टैंडिंग 600 आएगा। तो होप सो क्वेश्चन का आइडिया क्लियर होगा। अब चलते हैं हमारे सम की तरफ, पहले प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे उसके बाद बैलेंस शीट बनाते हैं। तो पीएनएल का फॉर्मेट ये रहा, नोट टू अकाउंट बनाएंगे सबसे पहले, नोट टू अकाउंट उसका बनाए जो रिपीटेड है, एक से ज्यादा एंट्री है तो नोट टू बनाए, वरना डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। तो पहला नोट टू पीएनएल में, पीएनएल की एंट्री क्या क्या थी बच्चों, फाइनेंस, आपको डिबेंचर का इंटरेस्ट का कैलकुलेशन बताया था वो बता देते हैं हम लोग। फाइनेंस कॉस्ट का डिबेंचर इंटरेस्ट 600 दिया हुआ है और 600 रुपया आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, 600 बताया मैंने आपको, तो टोटल बन गया आपका 1200। तो जब हम पीएनएल में लिखेंगे फाइनेंस कॉस्ट में तो 1200 लिखेंगे, ठीक है, 600 नहीं लिखेंगे। फिर अगला पीएनएल का रिपीटेड एंट्री, नॉर्मली इन्वेंट्रीज पे भी आता है अगर क्लो यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन देता तो नहीं है तो इसको भी इग्नोर कर सकते हैं। फिर अगला पीएनएल एंट्री आप डेप्रिशिएशन बताएंगे, दो डेप्रिशिएशन है लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट के ऊपर, तो दोनों का डेप्रिशिएशन बताते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग 1,60,000 है, 1,60,000 का 5%, 10%, 16 यानी 8,000, तो लैंड एंड बिल्डिंग का 8,000 आया। फिर प्लांट का 15%, 2,72,000 का 15%, 40,800 एंड योर टोटल डेप्रिशिएशन कम्स टू 48,800। और कोई एंट्रियां रिपीट नहीं है तो इसको बंद करते हैं। अब चलते हैं हमारे एक्चुअल पीएनएल में, सबसे पहले आपका रेवेन्यू क्रेडिट साइड जाएंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ग्रॉस प्रॉफिट लिखा है 84,960, अदर इनकम भी आएगा 4,480 डिविडेंड वाला, ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन दे अगर एक एंट्री है तो, एक से ज्यादा है तो नोट टू बना दे। इनकम में बेसिकली दो ही एंट्री आती है, रेवेन्यू और अदर इनकम, और कोई है नहीं तो दोनों प्लस करते हैं, तो टोटल रेवेन्यू बन गया हमारा 89,440। फिर एक्सपेंस आता है, एक्सपेंस में जितनी एंट्री आएंगे वो लिखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं फाइनेंस का नोट नंबर वन, नोट नंबर लिखते हैं इसको ध्यान से, 1200। फिर डेप्रिशन एमोर्टाइजेशन है 48,800, नोट नंबर टू ध्यान से डालना अब नंबर आपको। और कौन सी पीएनएल एंट्री आती है हमारे पास, अदर एक्सपेंस है, अदर एक्सपेंस में रेंट एंड टैक्सेस है वो लिख लेते हैं, और कुछ बच रहा तो नहीं है, तो अभी फिलहाल एक्सपेंस को क्या करेंगे प्लस कर लेते हैं तीनों को, और तीनों का टोटल आता है 78,800। अब बच्चों क्या करना है, 89 से 78 को माइनस करना है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया आपका 10,600। इस 10,600 से आपको टैक्स को माइनस करना है, टैक्स का डिटेल बोला था उन्होंने 50%, यानी 10,600 का 50% 5,300 आता है, और फिर माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड 5,300। ये 5,300 हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, अभी बताया था हमको ऐड करना है, ये ओपनिंग बैलेंस है 10,000 और 5,300 क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है। और ये 5,300 को याद रखें टैक्स का, क्योंकि आपको सेकेंड इफेक्ट करंट लाइबिलिटी में पास करना है,
तो पहला पीएनएल में तो माइनस कर दिया हमने, अभी करंट लायबिलिटी में भी जाएगा। तो ये दोनों फिगर याद रखे, 5300 5300 पीएनएल में ऐड करना है 5300, और 5300 का सेकेंड इफेक्ट जाएगा करंट लायबिलिटी में। तो होप सो आपको क्वेश्चन पीएनएल समझ में आया रहेगा। नोट टू अकाउंट बनाया, कंटिन्यूस बनाना। अब बैलेंस शीट का भी नोट टू अकाउंट इसी के नीचे कंटिन्यू करना आपको। तो अब चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। तो हेडिंग है बैलेंस शीट नोट नंबर वन, नोट अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख, मगर सबसे पहले ऑथराइज बताना। ऑथराइज क्या बताया था स्टार्टिंग में, 4 लाख, और नंबर ऑफ शेयर कितना बताया था मैंने आपको, 40,000। 40,000 इंटू 10, 4 लाख। अंडरलाइन कर दे, यानी हम इसको लिख रहे हैं, कैलकुलेट नहीं करेंगे। और फिर हमारा मेन होता है कॉल्ड अप, जो 3 लाख है वो लिखेंगे हम लोग, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, यानी 3 लाख ही आपका जाएगा इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज में शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के बाद हम लोग बनाते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस की बहुत सारे एंट्री हैं, जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम है, जनरल रिजर्व है 56, इसका एडजस्टमेंट था। क्या एडजस्टमेंट था, 400 रुपए ट्रांसफर हुआ, तो मैंने क्या बोला था एड करना इसको, तो इसके अंदर एड कर लेते हैं, टोटल आ गया 56,400। फिर आपका पीएनएल यानी सरप्लस जो है वो लिखेंगे 10,000 पहला ओपनिंग बैलेंस, और अभी हमने निकाला था 5,300, तो 5,300 हम इसको ऐड करेंगे। और मैंने बताया था ये 400 रुपया पीएनएल से वापस से माइनस करना है, जनरल रिजर्व में ऐड करना है और पीएनएल में माइनस करना है। तो इस तरह से 15,300 और 400 माइनस किए तो 14,900 आपका पीएनएल आया। अब और कोई एंट्रियां नहीं है, तो अब तीनों को प्लस करते हैं 40, 50 और 10, दैट कम्स टू 1,11,300। तो हम जब यहाँ बैलेंस शीट बनाएंगे तो वहां पे डायरेक्टली 1,11,300 लिखेंगे। शेयर कैपिटल 3 लाख मिल गया और रिजर्व एंड सरप्लस 1,11,300। अगला नोट टू अकाउंट बना लेते हैं, एसेट्स के ऊपर डेप्रिशिएशन वगैरह वो कैलकुलेट करना बताएंगे। टेंजिबल एसेट्स लैंड एंड बिल्डिंग 1,60,000, उसका 5% आया था, 8,000 माइनस करें 1,52,000। सेम वे प्लांट के बारे में 2,72,000 का 15% और माइनस करें 231,200, और दोनों नेट अब आपका जो ब्लॉक आ रहा है, नेट एसेट्स आ रहा है, वो आ रहा है आपका 383,200। तो होप सो वर्किंग नोट समझ में आ रहेगी। अब चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। बैलेंस शीट में सबसे पहले इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, इसके अंदर शेयर होल्डर फंड, इसके अंदर शेयर कैपिटल, जो कि आपने यहां बनाया नोट नंबर 3, नंबर ध्यान से डाले। फिर रिजर्व एंड सरप्लस नोट नंबर 4, 1,11,300 नोट नंबर 4। फिर आता है आपका नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर आता है एक ही एंट्री बच्चों, जो डिबेंचर के 20,000 की लॉन्ग टर्म बोरिंग 20,000। फिर आता है हमारा करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी में बहुत सारे एंट्री है ध्यान से। पहले तो ट्रेड पेबल है 24,000 क्रेडिटर का। फिर आपको बताया था मैंने ये आउटस्टैंडिंग आया था हमारा डिबेंचर पे 1,200 रुपये का, 1,200 में से 600 दे दिया, यानी 600 रुपया ही बाकी था। तो वो 600 रुपया आपको करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी, डिबेंचर इंटरेस्ट 600, जो आउटस्टैंडिंग फिगर है वो बताना है आपको, जो पेड है वो नहीं बता रहे, जो आउटस्टैंडिंग है वो बता रहे। टोटल कितना आया था, 6% 20,000 1,200 आया था, 1,200 में से 600 रुपया ही पेड किया, तो 600 बाकी है। तो फ्यूचर एक्सपेंस है इसीलिए करंट लायबिलिटी, और करंट लायबिलिटी में नॉर्मली टैक्स आता, टैक्स दिया था हमारा 50%, हमने अभी निकाला, कितना बताया था 5,300, वो भी लिख लेते हैं। और कोई एंट्रियां नहीं है तो अब इसको हम टोटल कर सकते हैं। तो आपका टोटल लायबिलिटी का आता है 461,200, दिस इज योर टैली अमाउंट, ये एसेट्स के अंदर भी आना चाहिए। अब इसी के नीचे कंटिन्यू करेंगे एसेट्स। एसेट्स में सबसे पहले आता है नॉन करंट एसेट्स, जिसके अंदर फिक्स एसेट आएगा। फिक्स एसेट के अंदर दो पार्ट है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल ही दिया हुआ है, इनटेंजिबल नहीं है। तो टेंजिबल का हमने नोट नंबर 5 बनाया था 383,200, नोट नंबर 5। नंबरिंग याद करें, नंबरिंग ध्यान से लिखना आपको, नोट 2 के मार्क्स हैं, तो इसको सही से बनाएंगे आप लोग। फिर क्या बोलते हैं, और कोई एंट्रियां हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 40,000, ये भी इधर आएगा आपका। फिर करंट एसेट शुरू करेंगे, करंट एसेट में बहुत सारी एंट्रियां ध्यान से पास करना है। सो करंट एसेट में आता है आपका इन्वेंट्री, सबसे पहले इन्वेंट्री लिखेंगे 28,000 की। इन्वेंट्री के बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 9,520 ये लिख लेते हैं।
फिर आता है हमारा इनकम टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स 480, वो लिख लेते हैं। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस, देखो हेडिंग ध्यान से लिखना, आपको हेडिंग में गड़बड़ नहीं करना। और फिर इसके बाद और कोई एंट्री नहीं है, तो अब आप इसको क्या करेंगे, एसेट्स को टोटल करेंगे। 383 प्लस 40 प्लस 28 प्लस 9 प्लस 480 टोटल कम्स टू 461,200। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट सम किया हमने। पीएनएल भी बनाया हमने, बैलेंस शीट भी बनाया हमने, नोट टू अकाउंट बनाया हमने। नोट टू अकाउंट फिर से बोलो, ऑर्डर में ही बनाना, 1 2 3 4 5, एक ही पेज में एक ही साथ कंटिन्यू करना। ये स्क्रीन पे मैंने अलग अलग बनाया आपके लिए, मगर आप जब सम एक्चुअल सॉल्व करेंगे तो नोट टू अकाउंट ऑर्डर में बनाना आपको। तो होप सो बच्चों, यहाँ तक तो कोई डाउट ना हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।